भाई आज ही एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ भाई। आपके सामने लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ। 45,000 रुपये की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मिल चुकी है। जो आज की वीडियो में दोस्तों मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूँ आपको, दोस्तों यहाँ पर 100% जेन्युइन एप्लीकेशन होने वाली है। भाई मेरे को एक एप्लीकेशन सर्च करने में भाई मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो भाई मैं आपके लिए एक से नई एप्लीकेशन यहाँ पर लेके आता हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 50,000 रुपये की जो आपको यहाँ पर लिमिट मिलने वाली है, वो दोस्तों इस एप्लीकेशन से आपको मिलने वाली है। तो भाई मेरे पास में यहाँ पर 45,000 रुपये की यहाँ पर लिमिट अप्रूव हो चुकी है। भाई मैं आपको यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको करके दिखाने वाला हूँ। लाइव प्रूफ आपके सामने लिमिट लेके दिखाने वाला हूँ। आपका जो भी मेरा बैंक का जो भी मेरा यहाँ पर जो प्रोसेस होता है बैंक में जाने का तक आपका जो प्रोसेस होता है पूरा दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है योर अप्रूव्ड लोन अमाउंट 45,000 रुपये का लोन मेरे पास में यहाँ पर लोन अमाउंट अप्रूव हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन का ऊपर के साइड में यहाँ पर मैसेज आ चुका है, मेरा नाम यहाँ पर आ चुका है लिखा हुआ। दोस्तों सब कुछ आज की वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बिल्कुल करके दिखाने वाला हूँ। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो चीज लाइक कर देना। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन का यहाँ पर अबाउट सेक्शन ओपन कर लिया है, जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हो। भाई मैंने आपको पहले ही बताया ये दोस्तों यहाँ पर जो आपका आज की वीडियो में जो दोस्तों यहाँ पर आपको लोन मिलने वाला है 2,000 रुपये से लेकर दोस्तों आपको यहाँ पर 50,000 रुपये तक इस एप्लीकेशन से यहाँ से आपको लोन मिलने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर दोस्तों हम बात करें तो भाई यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोस्तों यहाँ पर आपका बहुत ही कम आपको देखने को मिल सकता है। RBI और NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होने वाली है, जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हो। इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना है, किसी प्रकार की आपके यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी है, किसी प्रकार की आपके यहाँ पर सैलरी स्लिप नहीं देनी आपको। दोस्तों मैं बात करूं अगर दोस्तों मैं इसको यहाँ पर एग्जांपल के लिए थ्रू दोस्तों आपको यहाँ पर बताऊं तो भाई जो आपका यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 15% से लेकर 36% तक आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। 3 महीनों से लेकर 12 महीनों तक दोस्तों यहाँ पर आपका टर्नओवर रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों मैं अगर आपको बताऊँ तो भाई मान लेते हैं आपको यहाँ पर 40,000 रुपये की यहाँ पर आपके पास में लिमिट मिल जाती है, तो भाई यहाँ पर 22% तक उसके ऊपर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 12 महीनों का दोस्तों उसका यहाँ पर टर्नओवर रहने वाला है। यहाँ पर टोटल जो आपकी यहाँ पर जो EMI होगी पर मंथ की जो EMI होगी 3744 रुपये की आपकी EMI होगी। जो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर जो आपके टोटल यहाँ पर लगने वाला है टोटल 5678 रुपये की यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर लगने वाला है। जो दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल रीपेमेंट करना है वो भाई यहाँ पर 45,600 रुपये आपको यहाँ पर रीपेमेंट करना पड़ेगा। 40,000 रुपये का लोन आपका होगा और 45,678 रुपये आपका यहाँ पर आपको यहाँ पर रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा। दोस्तों इंस्टेंट पर्सनल लोन दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन होने वाली है। बात करें अगर दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी की तो भाई यहाँ पर इंडिया से आप होने चाहिए, 21 साल आपकी प्लस एज होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपके पास में कुछ ना कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें दोस्तों हम इसकी डॉक्यूमेंट की तो भाई आपके पास में सेल्फी होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास में ये सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम से आपकी KYC होती है, वो दोस्तों आपका 100% डिजिटल प्रोसेस रहता है। यहाँ पर दोस्तों मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ मेरे पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो भाई यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर ऊपर की साइड में देख पा रहे होंगे 50,000 रुपये मेरे पास में यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऊपर की साइड में यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है 15 मिनट में दोस्तों आपकी यहाँ पर लिमिट अप्रूव हो जाती है। गेट इंस्टेंट अप्रूव आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जितनी भी आपको लिमिट मिलती है दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों इन्होंने 24 घंटे यहाँ पर लिख रखा है, बट भाई 1 से 1.5 घंटे में ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है पैसा जितने भी आपको लिमिट मिलती है। तो भाई मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ मेरे पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर आपका लास्ट नेम डालना है, यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डालनी है, नीचे की साइड में मेल हो फीमेल हो वो डालना है, यहाँ पर दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन डालनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो डालनी है। जैसे दोस्तों आप ये सब कुछ डाल देते हो यहाँ पर नीचे की साइड में आपको मंथली इनकम डालनी है। यहाँ पर आप मंथली इनकम दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो भाई यहाँ पर अगर आप बिजनेसमैन हो तो भाई यहाँ पर 30,000 से प्लस ही आप इनकम अपने डालिए। अगर दोस्तों आप जॉब करते हो तो भाई उसकी 20,000 से प्लस ही आप यहाँ पर डालिए। आपको कोई भी सैलरी स्लिप नहीं देनी है, आपको किसी प्रकार का बैंक स्टेटमेंट किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना है। यहाँ पर नीचे की साइड में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर अपना पैन कार्ड डालना है।
दोस्तों मैं सभी की सभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सब कुछ कंप्लीट कर लेता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप बिजनेसमैन हो तो भाई आप 35,000 से प्लस ही यहाँ पर अपनी इनकम डालिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। वेरीफाई पैन एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों मेरे पास में जो मेरे को यहाँ पर लिमिट मिली है भाई, मेरे को यहाँ पर 8400 रुपये की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मिली है। 8,500 रुपये की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मेरे पास में ओपन होके आई है। यहाँ पर दोस्तों 6 महीनों का मेरे पास में यहाँ पर टर्नओवर मिल चुका है। जो ईएमआई मेरी जाने वाली है 1820 रुपये की मेरे पास में यहाँ पर ईएमआई जाने वाली है। और दोस्तों एवरी मंथ आपकी यहाँ पर ईएमआई जाने वाली है। जो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग और यहाँ पर जीएसटी वगैरह सब कुछ टोटल के टोटल 1486 रुपये की आपकी यहाँ पर लगने वाली है। जो दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर फाइनल जो मेरे पास में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट, वो दोस्तों यहाँ पर 6914 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर दोस्तों मेरे को इसको लिमिट को लेना है, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो भाई कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हो आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका आधार कार्ड होगा उसकी दोस्तों यहाँ पर केवाईसी आपको करनी पड़ेगी। केवाईसी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। प्रोसीड टू आधार ई केवाईसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। जैसे ही कैप्चा फिल कर देते हो नीचे की साइड में आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का। कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके पास में ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर वेरीफाई करवा लिया है। जैसे कि केवाईसी प्रोसेस कंप्लीटेड, मैंने यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों कुछ आपको भी इस तरीके से आपको यहाँ पर आपके पास में शो हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप केवाईसी कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद में आपके नंबर आ जाता है रेफरेंस का। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर अपना एक अल्टरनेट नंबर देना है। अपना अल्टरनेट जो भी आप नंबर दोगे उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपकी एक ओटीपी यहाँ पर जाएगी, वो वेरीफाई आपको करवानी पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दो रेफरेंस में आपको यहाँ पर नंबर देने हैं। जो भी आप रेफरेंस देना चाहो वो दे सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही दोस्तों आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो यहाँ पर दोस्तों, उसके बाद में फाइनल स्टेप जो मेरे पास में यहाँ पर आ जाता है वो दोस्तों ये आ जाता है। जो भी आपकी बैंक डिटेल है वो दोस्तों यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों 100% सिक्योरिटी के साथ में दोस्तों आपके जो भी डाटा होगा बिल्कुल सेफ रहेगा। यहाँ पर प्रोसीड टू बैंक वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन पर दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, फाइनल जो दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर इंटरफेस आ जाता है वो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाता है। दोस्तों मेरे पास में यहाँ पर फेडरल बैंक अकाउंट है, मेरे पास में यहाँ पर बैंक अकाउंट है सेविंग अकाउंट, और भाई यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर डालना है, सेविंग है या फिर करंट है, तो भाई यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ करके दिखाया हूँ। यहाँ पर नीचे की साइड में आप देख पा रहे होंगे मेरा नाम यहाँ पर शो हो रहा है, अश्वनी कुमार यहाँ पर नीचे की साइड में शो हो रहा है, जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं। तो भाई अगर दोस्तों मैं यहाँ पर वेरीफाई करवा लेता हूँ, जैसे ही मैं अकाउंट वेरीफाई करवा लेता हूँ तो भाई मेरे बैंक अकाउंट में 1 रुपया पहले फर्स्ट टाइम में यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा 1 रुपया। जैसे दोस्तों यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में दोस्तों जो भी मेरी लिमिट मिली हुई है मेरे को 8,500 रुपये की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मिली हुई है, 8400 रुपये की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट मिली हुई है। इसको दोस्तों जैसे ही मैं अपने बैंक को वेरीफाई करवा लेता हूँ इसको दोस्तों मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ इस लिमिट को। भाई बिल्कुल लाइव प्रूफ मैंने आपको करके दिखा दिया है, 8400 रुपये की मेरे पास में यहाँ पर लिमिट देखने को मिली है। भाई इस एप्लीकेशन को अगर दोस्तों आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो भाई आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाना है, IBL फाइनेंस आपको सर्च करना है, वहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा IBL फाइनेंस आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे ही दोस्तों आपको वहाँ पर मिलती है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों IBL फाइनेंस एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम होने वाला है। दोस्तों न्यू एप्लीकेशन है, जेन्युइन एप्लीकेशन है, RBI और रजिस्टर्ड एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाली है। तो भाई मेरे को तो यहाँ पर लिमिट मिल चुकी है, दोस्तों एक बार आप चेकआउट करके जरूर देख सकते हो। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लाइक कीजिए। अगर दोस्तों अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।